छात्रवृत्ति अधिकार मंच के छात्रों ने छात्रवृत्ति पोर्टल चालू कराने के क्रमांक को लेकर राजभवन के समक्ष आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को शुरू कर दी है। छात्र लंबे समय से छात्रवृत्ति योजना को लेकर पोर्टल की गड़बड़ियों को सुधारने की गुहार लगा रहे हैं। आज हम लोग जो हमारा लंबी लड़ाई चल रही थी, 4 महीनों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने की पूरी तरीके से साजिश चल रही है उसके खिलाफ पूरे राज्य भर से सभी जिलों से छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले सभी यहां पर आए हुए हैं छात्र। आप देख रहे होंगे यहाँ पर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये यूँ ही नहीं बैठे हैं, ये विवश हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग आंदोलन किए, अप्रैल में यहाँ पर इसी राजभवन के समक्ष हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। अप्रैल के बाद हम लोग फिर 15 जुलाई जो है यहाँ पर फिर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन राज्य सरकार देखिए वो कितनी धूर्तता करती है, कितनी चालाकी का परिचय देती है। हमसे बोली कि जो है 10 से 15 दिन का उन्हें वक्त चाहिए, वे जो है इस चीज़ पे संज्ञान ले चुके हैं और इस चीज़ पे वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतनी साजिश उनकी कि 2021 का पोर्टल खोलने के बजाय सेशन 2021 का जो पोर्टल है वो खोलने के बजाय वो खोलती है 2017-21-22 का, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। UGC कह रही है कि 31 अगस्त तक जो फाइनल सेमेस्टर है, UG 6 सेमेस्टर एंड PG 4 सेमेस्टर, उनका जो है फाइनल एग्जाम पूरा होगा, अक्टूबर से नया सेशन स्टार्ट होगा। जब अक्टूबर से नया सत्र स्टार्ट होगा तो ये किस सत्र के लिए, यानी कि 21-22 कौन सा सत्र है जो वजूद में नहीं है उसके लिए पोर्टल खोलती है? मतलब बच्चे अगर दिग्भ्रमित होकर के वो भर भी लेते हैं तो वो कहाँ से लाएंगे एडमिशन रिसिप्ट, कहाँ से लाएंगे मार्कशीट? यानी कि ये बिल्कुल जो है सरकार की एकदम साजिश है कि बच्चे जो गुमराह हो और बच्चे जो है इस आवेदन में भर दे, और एक साल का तो गया ही, यानी कि एक साल का उन्होंने घोटाला करके वो तो खा ही ले रहे हैं। जो आगे आने वाला सत्र है 21-22 वो भी जो है वंचित कर रखना चाह रहे हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार ये ना समझे कि वो बहुत चलाक है। यहाँ पर जितने छात्र दिख रहे हैं मैक्सिमम जो है BA ट्रेनी है, वे भावी शिक्षक है, यहाँ पर हर एक पर्सन जो है एडुकेटेड है। सरकार ये ना समझे कि आंखों में धूल झोंक कर वो ये बच्चों को गुमराह कर देगी। हम लोग अपने हक के लिए, मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम लोग जो है यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। और सरकार को चेतावनी है, अगर वो जो है हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और इसकी पूरी जवाबदेही झारखंड सरकार को होगी, हेमंत सरकार को होगी। नहीं, सरकार जो कर रही है हम लोगों के साथ वो पूरी तरह से अन्याय है। 2021 का जितने छात्र लोग पोर्टल में अपना आवेदन किए उनमें से भी मात्र 10% छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी है। जो ज़्यादा जिसका फी है उन लोगों को सरकार साइड कर दिया है, जिसका 2000-3000-4000 रुपया देना होता है उन लोगों को देख करके सरकार डाटा दिखा रही है कि हम इतने लोगों को दिए। ये नहीं चलेगा, हम लोग अब रोड पर उतर चुके हैं, और जब तक हम लोग के लिए नहीं पोर्टल ओपन करती है और सरकार छात्रवृत्ति देने के लिए सुनिश्चित नहीं करती है तब तक हम लोग यहीं धरना पर रहेंगे। रात का रात नहीं देखेंगे और दिन का दिन नहीं देखेंगे। आज से भूख हड़ताल पे हम लोग जी, मैं उमेश कुमार वर्मा, हम गिरिड से आए हुए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।